जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज ऐसा है कि हज़ारा कम्युनिटी के लोग हज़ारा टाउन से डेली सब्ज़ी की शॉपिंग के लिए यहाँ आते हैं और उनको पुलिस एफसी एस्कॉर्ट करके लेके आती है। आज भी 11 गाड़ियाँ और 55 लोगों को पुलिस ने और एफसी ने एपीसी के साथ, ईगल के साथ और एफसी की गाड़ियों के साथ एस्कॉर्ट करके लेके आए। जब वो इस मार्केट के अंदर आ जाते हैं तो फिर उनकी हमारी सिक्योरिटी इदारों की ड्यूटियां चारों गेटों पे और इसके अंदर गश्त और ऊपर रूफ टॉप पे ड्यूटियां होती हैं। तो जब ये इस दुकान पे पहुंचे हैं, ये जो आलूओं की स्टोरेज है और आलूओं की दुकान है, तो यहां से एक धमाका हुआ जिसमें जो ये कैजुअलिटीज़ हुई, जो हमारी अभी तक की इतला के मुताबिक 16 लोगों की शहादत हुई है, जिनमें 8 लोग हज़ारा बरदरी से ताल्लुक़ रखते हैं, 7 दीगर लोग हैं जो यहाँ के काम कर रहे थे और 1 एफसी के शहादत हैं और 30 लोग ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें भी दूसरे लोग भी हैं और हज़ारा कम्युनिटी के लोग भी हैं और 4 एफसी के उसमें लोग भी हैं। तो ये अभी क्राइम सीन पे सीटीडी वाले भी, स्पेशल ब्रांच वाले भी और मेरी जो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन टीम है वो मौजूद हैं। हम इसका तायुन करेंगे इन्वेस्टिगेशन में कि ये यहाँ इस दुकान पे कैसे ये चीज़ पहुँची और क्या मैयस आगे हम इस इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलता है, वो आईडी थी या क्या चीज़ थी, उसका भी तायुन उसके बाद किया जाएगा। सर, ये टाइम टेबल था सुसाइड वगैरह तो ये हम इन्वेस्टिगेशन क्राइम सीन के बाद ही हम बता सकेंगे, जो अभी इस वक्त मैं नहीं कह सकता क्योंकि अभी लगे हुए आपके सामने काम कर रहे हैं। सर, क्या शवाद है कि इस वक्त लोग खरीदारी कर रहे थे, निकल रहे थे, मंडी से निकल रहे थे? नहीं, निकल नहीं रहे थे, ये तो अभी इस दुकान पर लोड कर रहे थे आलू। अभी आपके सामने है क्राइम सीन, आप उसको देख सकते हैं कि आलुओं का ये गोदाम है और उस उधर ही ये धमाका हुआ है, उसके क्रेटर मौजूद है और सामने गाड़ी लोड करने वाली थी जो उसी में ज़्यादा कैजुअलिटी हुई। सर, आलू के गोदाम में धमाका करना क्या, किसको टारगेट किया जा रहा था? ये देखें, ये यही टारगेट कौन था, चूँकि इसमें कैजुअलिटी तो सारों की ही हुई है, हज़ारा बरादरी भी है, दूसरी भी है, सिक्योरिटी इदारे भी हैं, तो टेररिस्ट तो सबको ही निशाने पर रखता है, लेकिन स्पेसिफिक उसका कोई टारगेट था तो वो इन्वेस्टिगेशन में पता लग जाएगा।